अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और आप ये देखिएगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं, उसका कभी न कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। यह गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का है। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का, 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काक भूसुंडी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई है। और ये नहीं, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनी का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से, ऐसे कई कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है, जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था, महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यही 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संगमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य, 3 भाइयों की जोड़ी है, हम सब जानते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तृहरि। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता, राजा भोज के जीवन काल में जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोज पत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है।